स्वागत है हमारी YouTube चैनल योनिक क्लासेस पर। और आज हम करने वाले हैं अपना सी टेट का, जैसे कि आपको पता है हमारे चैनल पर सी टेट और टीचिंग जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनकी तैयारी करवाई जाती है। तो सी टेट का जो आपका पेपर वन आता है उसका हम EVS का जो पोर्शन है वो करने वाले हैं, जिसमें हमने क्लास फोर्थ अपनी यहाँ पर ली है। इसके साथ साथ बता दूँ पेपर टू की भी तैयारी करवाई जाती है, आप उसे भी देख सकते हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। यहाँ पर इस एक वीडियो में आपको क्लास फोर्थ में से जो भी आपका NCERT बुक का क्लास फोर्थ है उसमें से EVS का जो भी क्वेश्चन आता है वो सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। साथ साथ में ये नोट्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं और साथ साथ में आप सभी को बताया जाएंगे कि किस तरीके के जो क्वेश्चन हैं वो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो हमारा जो चैप्टर वन है उसका नाम है चलो चले स्कूल। ये जो है NCERT बुक का जो चैप्टर वन है उसका नाम है। इसमें स्कूल जाने के जो रास्ते हैं अलग अलग राज्य में, भारत के अलग अलग राज्यों में, वो सारे के सारे रास्ते यहाँ पर बताए गए हैं किस तरीके से जो बच्चे होते हैं वो स्कूल जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो ये है असम का बताया हुआ है हमें कि किस तरीके से जो असम है, असम में बच्चे स्कूल में जाते हैं। तो उनका जो रास्ता होता है उसे पार करने के लिए जो बच्चे हैं वो बांस से बना हुआ जो पुल है वहाँ पर होता है उस पर चलकर बच्चे जो होते हैं स्कूल में जाते हैं असम में। तो आपसे जो है ये पूछा जा सकता है कि असम में बच्चे किस निम्नलिखित में से किस चीज़ से जो है वो कहाँ पर जाते हैं, स्कूल में जाते हैं। ठीक है, अब देखो जुगाड़ भी एक तरीके का क्या होता है, जुगाड़ एक तरीके का व्हीकल होता है जो गुजरात में मिलता है, आपको ध्यान देना है, जिसमें क्या होता है आगे की तरफ मोटर बाइक होती है और पीछे की तरफ क्या होता है, पीछे की तरफ लकड़ी होती है जिसपे बच्चे बैठते हैं। यानी कि कुछ इस तरीके से होता है कि आगे की तरफ इतने पोर्शन में जो है मोटर बाइक लगा दी जाती है, यानी कि मोटर बाइक का आगे का हिस्सा लगा दिया जाता है और उसकी जो सीट होती है वो लकड़ी की बनाई होती है जिसमें बच्चे यहाँ पर बैठे हुए होते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा अगला है उत्तर की पहाड़ियाँ। तो उत्तर की पहाड़ियाँ, जैसे कि आपको पता है हमारा जो उत्तर है ऊपर की साइड है और वहाँ पर जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर जो बर्फ़बारी है वो होती है। तो बर्फ़ पर चलकर कहाँ पर जाते हैं बच्चे, स्कूल में जाते हैं, आपको ध्यान देना है। ठीक है, इसके बाद ट्रॉली, जो ट्रॉली है वो किस क्या होता है, सबसे पहली बात तो ये आ जाती है जो ट्रॉली है वो लकड़ी से बना हुआ एक झूला है जो पुली की मदद से क्या होता है, रस्सी से बंधा होता है और वो क्या करता है, वो नदी को पार करता है। यानी कि ट्रॉली होती है जिसमें क्या होता है पुली की मदद से, जो ट्रॉली वो लकड़ी से बनी है और पुली की मदद से वो क्या रस्सी से बंधी होती है और वो नदी को पार करवाती है। ठीक है, तो इसमें बैठकर बच्चे क्या होते हैं, स्कूल में जाते हैं। और ये कहाँ पर है, ये हमारा जो है लद्दाख में है, आपको ध्यान देना है। इसके बाद सीमेंट का पुल, जो सीमेंट का पुल है वो कहाँ पर दिखाई देता है, हमें शहरों में दिखाई देता है। जैसे कि आप भी अपने आसपास देखते होंगे कि सीमेंट का जो पुल है जिसमें क्या क्या चीज़ें सीमेंट के पुल को बनाने में लगती है, आपको ध्यान देना है। सीमेंट हो गई, ईंटें हो गई और लोहे के जो सरिये हैं वो लगते हैं। इसके बाद हमारा वल्लम, जो वल्लम है वो भी क्या है, लकड़ी से बनी हुई एक छोटी सी नाव होती है जो केरल में प्रयोग की जाती है, आपको ध्यान रखना है। तो पूछा जा सकता है वल्लम जो है कहाँ पर प्रयोग किया जाता है और ऑप्शन में आपको कुछ राज्य दे दिए जाएंगे इस तरीके से। तो NCERT के जो क्वेश्चंस होते हैं वो सीधे के सीधे पूछे जाते हैं, आपको अच्छे से याद करने होंगे। अब देखो ऊँट गाड़ी, आपको पता है ऊँट सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिलता है, हमें ऊँट जो होता है राजस्थान में मिलता है, और राजस्थान में भी कहाँ पर, जहाँ पर रेत होता है, यानी कि रेगिस्तान में, जहाँ पर जो रेत होता है जिस पे चलना मुश्किल होता है दिन में, क्योंकि दिन में जो रेत होता है वो कैसा होता है, गर्म होता है बहुत ज़्यादा, धूप से तपा होता है और रात को बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। ठीक है, तो जो रेगिस्तान का इलाका है राजस्थान के अंदर, रेगिस्तान का जो इलाका है उसमें ऊँट की जो गाड़ी है उसका प्रयोग किया जाता है, तो ये ध्यान देना है आपको। उसके बाद बैलगाड़ी, तो बैलगाड़ी आपको आमतौर पर अगर आप जो है अपने गांव में कभी गए हो या फिर गांव में रहे हो तो आपने देखा होगा जो बैलगाड़ी है वहाँ पर उसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो बैलगाड़ी होती है वो मैदानी इलाकों में प्रयोग की जाती है, आपको ध्यान देना है। और ये जो होती है इसमें जो बच्चे होते हैं बैठकर अपने स्कूल में जाते हैं और बच्चे क्या करते हैं बैलगाड़ी में बैठने के बाद, आगे बैल बंधा होता है, पीछे जो है लकड़ी का एक बैठने का होता है। ठीक है, तो बच्चे बैठे होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो छतरी जो होती है छतरी को अपने सिर पर ढक लेते हैं जिससे उनको धूप नहीं लगती है। तो ये छोटी छोटी जो बातें होती हैं ध्यान रखनी है आपको। और फिर इसके बाद ऊबड़ खाबड़ जो पत्थर के जो रास्ते होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, पहाड़ी इलाके में होते हैं। जैसे कि अभी कभी भी आप उत्तराखंड वगैरह में गए हो, उत्तरांचल वगैरह में गए हो तो आपने वहाँ पर देखा होगा पहाड़ी जो इलाके वहाँ पर होते हैं। तो उत्तरांचल आपको ध्यान रखना है, वहाँ पहाड़ी इलाके हैं। तो पहाड़ी इलाके कहाँ पर, उत्तरांचल में हैं। और उसके लिए जो बच्चे हैं वो किस तरीके से स्कूल में जाते हैं, ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर चल के ही जाते हैं और बच्चे बताते हैं कि हमें जो चल कर जाने में कोई दिक्कत नहीं होती है।
ठीक है, तो उनके लिए जो ऊबड़ खाबड़ रास्ता है वो रास्ता एक नॉर्मल रास्ते जैसा होता है। अब यहाँ पर हमारा चैप्टर वन कंप्लीट होता है, जिससे आपके क्वेश्चन जिस टाइप के आते हैं। अब देखिए सेकेंड चैप्टर कान कान में, अब ये जो सेकेंड चैप्टर है इससे भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है ईवीएस में, तो हम देखें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर कान कान में जो ये आपका चैप्टर है, इसमें जो बर्ड्स हैं वो बताए गए हैं किस टाइप के होते हैं बर्ड्स और एनिमल्स, और उनके जो कान होते हैं वो किस तरीके के होते हैं। किसी के कान बाहर से दिखाई देते हैं तो किसी के हमें नहीं दिखाई देते हैं, तो ये सब कुछ हमें इसमें जानने का मौका मिलेगा। अब देखिए कान जो होते हैं वो सुनने के काम आते हैं, ठीक है, तो सुनने में मदद करते हैं तो हमें पता है। और जो पक्षियों के कान होते हैं, हमने देखा है कि जो पक्षी उनके कान हमारी तरह नहीं दिखाई देते हैं, जैसे कि हम होंगे, इसके साथ साथ जो एलिफेंट हो गया और लायन वगैरह हो गए, उनकी तरीके से जो पक्षी हैं उनके कान हमें दिखाई नहीं देते। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि उन्हें कुछ सुनाई नहीं देता? नहीं, यहाँ पर हम गलत सोचते हैं, उन्हें सुनाई देता है, क्योंकि उनके जो कान होते हैं एक छेद की तरह होते हैं, छोटा सा छेद होता है कान की जगह पर, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, छिपकली और मगरमच्छ भी कुछ ऐसे जीव हैं जिनके जो कान होते हैं वो छेद के जैसे होते हैं और जो दिखाई नहीं देते हैं बाहर से। तो आपको ध्यान देना है, अगर छिपकली को बिल्कुल पास से देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि उसके छेद हैं, कान नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जिनके कान, दो जो यहाँ पर लिखा गए हैं दो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो पहला, जिनके कान बाहर से जो है दिखाई देते हैं, जैसे कि हम मनुष्य हैं, हमारे कान बाहर से दिखाई देते हैं, और कुछ एनिमल्स और बर्ड्स कुछ ऐसे होंगे जिनके कान बाहर से दिखाई देते हैं, ठीक है। तो इसकी पहचान कैसी होती है? एक तो जिसके कान बाहर से दिखाई देते हैं और शरीर में उनके क्या होते हैं, बाल होते हैं, जैसे कि हम भी देखते हैं हमारे शरीर में बाल होते हैं, तो जिनके शरीर में बाल है और कान बाहर से दिखाई देते हैं वो क्या करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं। इसका मतलब क्या है, वो अंडे नहीं देते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, इंपॉर्टेंट है ये आपका फैक्ट। इसके आगे आपको ध्यान देना, जिसके कान बाहर से दिखाई नहीं देते हैं और जिसके शरीर पर बाल भी नहीं होते हैं वो अंडे देते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जो पक्षी होते हैं उनके शरीर पर बाल भी नहीं होते, फर होते हैं उनके, तो बाल नहीं होते और कान बाहर से दिखाई भी नहीं देते हैं, कान होते हैं, छेद होते हैं, पर बाहर से दिखाई नहीं देते हैं, तो वो अंडे देते हैं। जितने भी ऐसे होते हैं वो सारे के सारे अंडे देते हैं। तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब इसके बाद हमारा चैप्टर टू यहाँ पर कंप्लीट होता है, और चैप्टर थ्री का नाम हमारा नंदू हाथी है। जो चैप्टर थ्री हमारा नंदू हाथी है, इसमें बताया गया है एक हाथी है जिसका नाम नंदू है। तो इसमें जो नंदू हाथी है उसको लेकर बताया गया कि एक हाथी जो होता है वो कितना खाता है, कितना सोता है, इस तरीके से। और हमें जो क्वेश्चन इस टाइप के देखने को मिलते हैं ईवीएस के पोर्शन में, आपको ध्यान देना है कि हमें जो है ये कहा जाता है कि निम्नलिखित में से कथन कौन सा सही है या फिर कौन सा सही नहीं है, इस तरीके से हमें दे दिए जाते हैं कुछ कथन जो हमारे चैप्टर से जो लिए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए जो नंदू हाथी है उसको लेकर बताया गया कि एक जो बड़ा हाथी, नंदू हाथी यहाँ पर बच्चा दिखाया गया, बच्चा हाथी है, पर यहाँ पर बताया गया है कि एक जो बड़ा हाथी होता है, यहाँ बड़ा होगा, तो जो बड़ा हाथी होता है वो 100 किलोग्राम से भी ज़्यादा जो पत्ते होते हैं और जो झाड़ियाँ होती है वो खा लेता है एक दिन में, ठीक है, आपको ध्यान देना है। इसके बाद वो कितना सोता है, यानी कि हाथी कितने सोते हैं, आपको ध्यान देना है। वैसे तो हाथी जो है गोल मटोल दिखाई देते हैं, पर वो ज़्यादा आराम नहीं करते हैं, यानी कि वो 2 से 4 घंटे तक ही सोते हैं, और उन्हें खेलना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। और कहाँ पर खेलना पसंद होता है, उन्हें पानी में, और पानी भी कैसा, मिट्टी वाला पानी जो होता है उसमें खेलना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो यहाँ पर ये जो फैक्ट है वो ध्यान रखना, और इसकी वजह से उन्हें जो है गर्मी में राहत मिलती है, यानी कि वो अपने आप को कूल रख सकते हैं। तो एक तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि कितना जो खाता है वो 100 किलोग्राम से भी ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है, कितना सोता है 2 से 4 घंटे सोता है, ज़्यादा आराम करना पसंद नहीं होता है हाथी को, कहाँ कौन से पानी में खेलता है वो मिट्टी वाले पानी में खेलता है, और अपना ज़्यादा समय कहाँ पर व्यतीत करता है, खेलने में व्यतीत करता है। इसके बाद आपको ध्यान देना है कि जो इसके जो कान होते हैं वो किस जैसे दिखाई देते हैं, फैन की तरह इसके कान होते हैं, यानी कि पंखे की तरह इसके कान होते हैं जो इसे हवा करने में, इसे कूल रखने में मदद करते हैं एक हाथी को, ठीक है। हाथी का जो झुंड होता है उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाथी के झुंड में कौन कौन शामिल होता है। तो एक हाथी के झुंड में जो नर हाथी होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नर हाथी नहीं होते हैं, यानी कि जो हाथी बड़े हो जाते हैं 14 से 15 साल तक जो एक नर हाथी होता है वो झुंड में शामिल होता है, और उसके बाद जो है नर हाथी जो है झुंड से अलग हो जाता है, ठीक है, उसे झुंड में शामिल नहीं करते। 14 से 15 साल तक का हाथी ही शामिल होता है नर हाथी, ठीक है। इसके बाद जो हाथी के झुंड में कौन कौन होता है, फिर नर हाथी नहीं है तो कौन कौन है,
मादा हाथी होता है, ठीक है, यानी कि जो फीमेल जो एलिफेंट है वो होती है। इसके बाद जो बच्चे होते हैं वो होते हैं, बच्चे में आपके नर और जो मादा हैं दोनों आ जाएंगे, मेल फीमेल दोनों तरीके के बच्चे आ जाएंगे। और मादा जो होती है, सबसे बड़ी जो मादा होती है वो उस ग्रुप की जो होती है, उस झुंड की लीडर होती है। अब देखिए यहाँ पर जो हाथी का जो झुंड है उसमें जो फीमेल एलिफेंट है वो कितने होते हैं, उसमें 10 से 12 फीमेल एलिफेंट होते हैं। और ये नंबर्स जो आपको बताए जा रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं, वो याद करने आपके लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारा जो चैप्टर 3 है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद जो आपका चैप्टर 4 है वो है अमृता की कहानी। अमृता की कहानी आपने सुना होगा कि जैसे चिपको आंदोलन चला था, इसी के साथ जो बिश्नोई या फिर जो खेजड़ी जो आंदोलन है वो चला था। तो ये सारे के सारे जो आंदोलन थे इसमें क्या होता था कि लोग पेड़ों से चिपक जाते थे और वो पेड़ों को काटने नहीं देते थे। उनका कहना था कि पेड़ कटेंगे तो हम भी कटेंगे। तो इसी तरीके से जो अमृता की कहानी बताई गई है बच्चों को, उससे भी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। इसमें जो है अमृता के गांव के जो लोग हैं उन्हें बिश्नोई बोला जाता था। अब बिश्नोई क्यों बोला जाता था इसका रीज़न बताऊंगी, पर इससे पहले देखो कि अमृता के गांव को क्या बोला जाता था, उनके गांव के लोगों को बिश्नोई बोला जाता था। अमृता कहाँ रहती थी या फिर जो ये खेजड़ी जो आंदोलन है वो कहाँ चला था, वो राजस्थान के जोधपुर के पास एक खेजड़ी गाँव है वहाँ पर चला था, ठीक है, आपको ध्यान देना है। अब जो खेजड़ी जो क्योंकि अमृता के जो गांव के लोग हैं उन्हें बिश्नोई इसलिए कहा जाता था क्योंकि उन्होंने पेड़ों की रक्षा करने के लिए, पेड़ों से चिपक गए थे जब राजा ने आदेश दिया था उसके, ये जो अपना ये गांव है खेजड़ी, इस गांव के राजा ने आदेश दिया था कि जाकर खेजड़ी जो पेड़ हैं उन्हें काट लाओ। क्यों काट लाओ? उद्योगों के लिए, ठीक है। तो वहाँ पर जो लोग हैं उन्होंने अपना जो प्रेम है पेड़ को लेकर दिखाया है, और इस वजह से जो राजा था, राजा ने देखा कि इस तरीके से लोग क्यों चिपके हुए हैं पेड़ से, क्यों नहीं काटने दे रहे, तो इसलिए इस गाँव के जितने भी लोग हैं उनका नाम बिश्नोई रख दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो विशेषताएं होती हैं ईवीएस में जो बताई जाती हैं आपको, वो आपको याद रखनी इंपॉर्टेंट होती है, वो हमें जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें हमसे पूछ लिए जाते हैं। तो खेजड़ी जो पेड़ है आपको देखिए जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब आपको और भी ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो खेजड़ी पेड़ किस टाइप का है? ये जो होता है उगाने के लिए से ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, पहला फैक्ट ये हो गया। दूसरा, इसकी जो छाल होती है उससे दवा बनती है, यानी कि दवाई बनती है। और तीसरा, इसकी जो लकड़ी होती है उसमें कभी भी कीड़ा नहीं पड़ता है। तो ये तीन फैक्ट आपको याद रखने हैं खेजड़ी पेड़ को लेकर। इसके बाद हमारा चैप्टर ये कंप्लीट हो जाता है, और इसके बाद हमारा चैप्टर जो फिफ्थ वो स्टार्ट होता है, अनीता की मधुमक्खियाँ। तो जो ये अनीता की मधुमक्खियाँ हैं, इनमें जो एक लड़की अनीता होती है वो अपने स्कूल के बाद क्या करती है, मधुमक्खी जो पालन है उसमें शामिल हो जाती है, ठीक है। तो वो मधुमक्खियों के बारे में बहुत सारी जानकारी इकट्ठी करती है। तो हमें पता है कि ईवीएस में जब किसी बच्चे को कुछ भी पढ़ाया जाता है, यानी कि जो स्कूल्स होते हैं उसमें पढ़ाया जाता है बच्चे को, तो बच्चों को कोई कहानी लेकर पढ़ाया जाता है। तो हमसे यहाँ पर मुश्किल से पूछ सकते हैं कि अनीता क्या करती थी, पर हमें मधुमक्खियों के बारे में जो जानकारी अनीता ने दी है उसको लेकर क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं, और ऐसा ही हुआ है, ठीक है। तो देखो अनीता जो है वो कहाँ पर रहती है, मुजफ्फरपुर है जिला, उसमें रहती है। और मुजफ्फरपुर कहाँ, मुजफ्फरपुर जो है बिहार के अंदर है, और मुजफ्फरपुर के अंदर एक जो गांव है वो बोचहा है, ठीक है, आपको ध्यान देना। अब देखते हैं मधुमक्खियों के बारे में। तो अनीता बताती है कि जो मधुमक्खी है, मधुमक्खी लीची से सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है, लीची के फूल उसे बहुत जो है अच्छे लगते हैं। तो जब मधुमक्खी का पालन किया जाता है तो वहाँ पर उस केंद्र में क्या है, जो लीची के जो फूल होते हैं वो उगाए जाते हैं, जिससे क्या है मधुमक्खियाँ अधिक से अधिक जो शहद होती है वो बना सकती है, ठीक है। इसके बाद देखें तो मधुमक्खियाँ अंडे कब देती है, तो मधुमक्खियाँ जो अंडे होते हैं अक्टूबर से दिसंबर के महीने तक देती है, तो इसके बीच में देती है, ये इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे जो यहाँ पर पॉइंट्स लिखे गए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी रिसेंट में ये जो क्वेश्चन आया था 2021 का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें मधुमक्खी को लेकर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। मधुमक्खियों का जो झुंड है उसमें कौन कौन शामिल है, जैसे हाथी के झुंड को हमने देखा था, अब मधुमक्खियों के झुंड को देखेंगे। तो मधुमक्खी के झुंड में एक रानी मधुमक्खी होती है जो क्या करती है, अंडे देती है। दूसरा, मधुमक्खी के झुंड में क्या है, कुछ मेल भी होते हैं, ठीक है, तो कुछ परसेंट मेल होते हैं, और मोस्टली जो होती हैं उसमें मधुमक्खियाँ होती हैं, फीमेल होती हैं जो क्या करती है, वर्कर्स होती है, काम करती हैं, पर उसमें एक रानी मधुमक्खी होती है जो क्या करती है, अंडे देती है, ठीक है।
यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट। अब हम ओमना का जो सफ़र है वो देखेंगे। यहाँ पर हमारा जो ओमना का सफ़र है, ओमना एक लड़की है और उसकी जो दोस्त है वो राधा है। ये दोनों क्या करती है, सफ़र करती हैं, यानी कि उन्हें कहाँ पर जाना है, केरल में जाना है। और वो कहाँ से बैठती हैं, वो गुजरात की गांधी धाम कच्छ जो है वहाँ से जो है रेलगाड़ी पकड़ती है, ट्रेन पकड़ती है। तो इसमें ट्रेन का जो सफ़र है वो बताया जाता है, ओमना का जो सफ़र है इसके अंदर। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो है वो भी इसी से रिलेटेड है, उसमें भी जो बताया गया कि ओमना किस प्रकार से जो पहुंचती है, फिर वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें। तो पहली बात हमसे जो है यहाँ पर जो ये पूछा जा सकता है कि गांधी धाम कच्छ जो है कहाँ पर है, तो ये गुजरात के अंदर है, ये ध्यान देना है। अब अहमदाबाद और वलसाड़ का भी जिक्र जो है इस चैप्टर में हुआ है, तो ये पूछा जा सकता है कि अहमदाबाद कहाँ पर है या फिर वलसाड़ कहाँ पर है, ये भी गुजरात में है आपका। कोझीकोड जो है वो पूछा जा सकता है, और वो कहाँ पर आपका, वो केरल में है, ठीक है। और क्योंकि केरल जाना था उन्हें, तो अब जो है इसके साथ साथ आपको ध्यान देना है कि जब ओमना और उसकी फ्रेंड राधा और उसका जो परिवार जब ट्रेन में सफ़र कर रहा होता है, तो उस टाइम पर वो गुजरात के स्टेशन से, जो स्टेशन है वहाँ से ट्रेन पकड़ते हैं, तो वो जो है अपने साथ कुछ गुजराती फूड भी लेकर गए होंगे खाने के लिए। तो क्या क्या चीज़ें गुजराती फूड में शामिल होती हैं, यहाँ से हमें पता चलता है। जो ढोकला होता है वो फेमस फूड है गुजरात का, और ढोकला और चटनी और उसके साथ लेमन राइस और इसके साथ साथ कुछ मिठाई भी जो है ओमना और उसकी जो दोस्त है वो लेकर साथ में जाती है खाने के लिए। तो गुजराती फूड के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं ये आपने देख ली हैं। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हमारा खिड़की से, ये भी ओमना से रिलेटेड ही है। जब ओमना जो है ट्रेन में बैठी होती है, तो वो खिड़की के बाहर देखती है जब वो सोकर उठती है, ठीक है। तो उस टाइम पर जो है वो कहाँ पर पहुँच जाती है, वो मडगांव पहुँच जाती है। और मडगांव कहाँ पर, गोवा में है। जाना उन्हें केरल है, गुजरात से वो चले थे, फिर वो मडगांव जो है कि देखती है खिड़की से बाहर। तो वो अपने पापा से पूछती है कि हम कहाँ पहुँच गए, तो वो बताते हैं गोवा के मडगांव में पहुँच गए हम। इसके बाद आपको ध्यान देना है, यहाँ पर हमसे पूछा जा सकता है कि जो मडगांव है वो कहाँ पर है, तो फिर हमें जो गोवा है वो दिया जा सकता है और दिया जाए एक ऑप्शन में। गोवा से केरल तक का जो सफ़र अब बाकी है ओमना का केरल तक पहुंचने का, तो इसमें कितनी सुरंगें हैं और कितने पुल हैं ये आपको ध्यान रखने हैं। 92 सुरंगें आती हैं गोवा से केरल के बीच में, और 2000 पुल जो हैं वो आते हैं कुल, ठीक है। अब जो भाषा है, भाषा को लेकर भी जो क्वेश्चन है पूछे जा सकते हैं। तो मलयालम जो है वो कहाँ पर बोली जाती है, केरला में बोली जाती है। मराठी कहाँ पर बोली जाती है, महाराष्ट्र में बोली जाती है, गोवा में बोली जाती है। दमन और द्वीप समूह और इसके साथ साथ जो नगर हवेली है वहाँ पर मराठी बोली जाती है। कन्नड़ जो भाषा कहाँ बोली जाती है, कर्नाटक में बोली जाती है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, इन तीन राज्यों में कन्नड़ भाषा बोली जाती है। और गुजराती गुजरात में बोली जाती है, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है नानी के घर तक। अब ओमना जो है अपने गांव पहुंच गई है जहां उसे पहुंचना था, तो वो अब अपने नानी के घर पे जाएगी, और उसे जाने के लिए जो है केरल की नदी को पार करना होगा। अब केरल की नदी को पार करने के लिए एक फेरी आती है। अब ये वर्ड फेरी जो है वो आपसे पूछा जा सकता है कि फेरी किसे कहा जाता है, और फिर आपको ऑप्शन दिए जाते हैं, ठीक है। तो फेरी एक तरीके की स्मॉल बोट होती है, जो किसके लिए होती है, नदी को पार करने के लिए होती है, यानी कि व्यक्ति को एक छोर से दूसरे छोर पर पहुंचाने के लिए होती है नदी के, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। अब इसके बाद जो है इसमें टिकट को लेकर भी जो क्वेश्चन है कई बार पूछे गए हैं ईवीएस में, तो टिकट के बारे में, क्योंकि यहाँ पर ट्रेन जो ट्रेन में बैठ के ओमना गई है, उसका परिवार गया है, तो टिकट के बारे में बताया गया है। तो टिकट में क्या क्या चीज़ें शामिल होती है उसकी लिस्ट मैंने पूरी प्रोवाइड कर दिया है आपको, अच्छे से 3-4 बार पढ़ लेना, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, और साथ साथ में नोट्स बनाओगे तो हेल्पफुल रहेगा। तो ट्रेन का जो नंबर होता है वो होता है टिकट में, ठीक है। फिर इसके बाद ट्रेन कब चलेगी, यानी कि डेट होती है, यहाँ पर टाइम नहीं होता, डेट आपको बताई जाती है ट्रेन कब चलेगी। कितने किलोमीटर तक चलेगी ये बताया जाता है इसमें। कितने अडल्ट्स हैं उसमें, कितने व्यसक हैं यानी कि, और कितने बच्चे हैं, उनकी जो संख्या है वो लिखी होती है उसमें। टिकट का नंबर भी होता है उसमें, पीएन नंबर, एक टिकट के जो टिकट होती है उसमें पीएन नंबर होता है। मानो ये यहाँ पर टिकट है ये, तो पीएन नंबर इस साइड ये वाला होता है, ठीक है। अभी हम टिकट भी देखेंगे जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कोच क्या होगा वो बताया जाता है। क्लास कौन सी होगी ये भी बताया जाता है उसमें, मतलब लिखा होता है। किस तरीके की जो टिकट है वो है, यानी कि रिजर्व है, किस तरीके की टिकट है वो, ठीक है। और इसके साथ साथ जो सीट और बर्थ नंबर है वो बताया होता है वहाँ पर, और सेक्स एंड एज जो होती है वो भी यहाँ पर बताया होता है, और जो प्राइस है टिकट का वो भी उसमें लिखा होता है। अब फटाफट हम जो एक टिकट है उसे देख लेते हैं, जिससे हमें जो है और भी अच्छे से याद रहेगा।
अब देखिए यहाँ पर ये टिकट मैंने आपको दिखाई है, इसमें आपको यहाँ पर PNR नंबर यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो PNR नंबर यहाँ पर होता है इसका, ठीक है। इसके बाद जो ट्रेन गाड़ी का जो नंबर है वो यहाँ पर होता है, डेट आपको बताई होती है यहाँ पर, फिर कितने किलोमीटर तक चलेगी भी बताया होता है, अडल्ट और बच्चे कितने हैं भी बताया होता है यहाँ पर। इसके बाद टिकट नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद आपको जो क्लास कौन सी होगी ये भी बताया होता है, ठीक है, और जो जर्नी है वो किस टाइप की रहेगी ये यहाँ पर बताया होता है आपको। इसके बाद अगर हम थोड़ा नीचे आएँ तो कोच कौन सा है, सीट कौन सी है और बर्थ कौन सा है वो बताया होता है, सेक्स और आयु जो यानी कि एज जो यहाँ पर बताई होती है। इसके बाद जो है आपका यहाँ पर जो फीस हो यानी कि जो आपका प्राइस होता है टिकट का वो यहाँ पर बताया होता है। तो इस तरीके की टिकट होती है जिसे आप देख सकते हैं, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट चैप्टर हमारा है चेंजिंग फैमिलीज़, यानी कि फैमिलीज़ में परिवार में किस तरीके के चेंज आ रहे हैं ये हमें इसके कुछ रीज़न बताए हुए हैं। यानी कि आपने देखा होगा पहले जॉइंट फैमिली होती थी, अब न्यूक्लियर फैमिली होती है, यानी कि पहले जो है मतलब पूरा परिवार इकट्ठा रहता था, दादा के जो भाई हैं इस तरीके से उनका जो परिवार है सब इकट्ठा रहता था। अब जो है केवल हमें देखने को मिलता है कि मम्मी पापा और बच्चे होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दादा दादी होते हैं, पर उनके जो चाचा चाची ये सब एक साथ नहीं रहते हैं, इसे एकल परिवार कहते हैं। तो ऐसा होने का क्या कारण है या फिर फैमिली में चेंज क्यों होता है ये जो है, यानी कि फैमिली में जो मेंबर्स हैं वो जो होते हैं घटते बढ़ते कैसे होते हैं, कैसे घटते बढ़ते रहते हैं, ठीक है। इसके बारे में तीन रीज़न दिए गए हैं। पहला तो है परिवार के आकार में परिवर्तन को लेकर हमें कारण बताए गए हैं। पहला कारण है नन्ना जो मेहमान है अगर परिवार में आ जाता है, यानी कि अगर किसी का जो बच्चा है वो पैदा हो जाता है तो वहाँ पर क्या हो गई, संख्या में चेंज हो जाता है, फैमिली मेम्बर्स की जो टोटल जो संख्या होती है उसमें चेंज हो जाता है, ठीक है। दूसरा रीज़न बताया गया बदली या फिर तबदला, यानी कि ट्रांसफ़र हो जाए, मानो आपका कोई भी रह रहा है आपके साथ में और उसका ट्रांसफ़र हो जाता है तो उसकी वजह से भी क्या हो जाता है आपकी जो, या फिर किसी की नौकरी कहीं पर लग जाती है तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, फैमिली जो होती है उसमें चेंज आ जाता है। इसके साथ साथ अगर शादी हो जाए तो शादी की वजह से जो है फैमिली में चेंज आता है। शादी की वजह से कैसे चेंज आता है तो इसमें देखें तो दोनों परिवारों में चेंज आता है, यानी कि लड़की जिस परिवार की उसमें से लड़की जो होगी शादी करके अपनी अपने घर पे अपने ससुराल में चली जाएगी तो लड़की का जो पहले वाला घर था वो जो है उसमें मेंबर कम हुआ है और जहाँ पर वो शादी करके गई है उसमें एक मेंबर क्या हो गया, एक और ऐड हो गया। तो इसकी वजह से इन तीन चार तरीकों की वजह से क्या होता है फैमिली में चेंज आता है, ये बताया गया है हमें चैप्टर में। अब नेक्स्ट चैप्टर है हु तू तू। इसमें जो है हमें कबड्डी टीम के बारे में बताया गया है और कर्णम मलेश्वरी के बारे में बताया गया है। तो कबड्डी जो टीम है ये भी इससे भी रिलेटेड जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर आप उठा कर देखेंगे तो देखिए कबड्डी जो टीम है उसमें टोटल जो प्लेयर्स हैं वो कितने होते हैं आपको ध्यान देना है। एक टीम में कबड्डी की 12 जो सदस्य हैं वो होते हैं पर 12 के 12 नहीं खेलते हैं, यानी कि कितने खेलते हैं, 7 प्लेयर्स खेलते हैं और जो 5 प्लेयर्स होते हैं विकल्प के तौर पे होते हैं, यानी कि 5 प्लेयर्स जो होते हैं मैदान में बैठे रहते हैं। क्यों बैठे रहते हैं, अगर मानो इन 7 प्लेयरों में से जो 7 जो खिलाड़ी खेल रहे हैं उनमें से किसी को चोट लग जाती है या फिर कोई किसी भी कारणवश नहीं खेल पाता है तो वो जो 5 जो हमने विकल्प के तौर पर बैठाए हैं वो क्या करेंगे, वो खेलेंगे उनके बदले में, ठीक है। तो इसलिए टोटल प्लेयर्स पूछा जाए तो 12 कितने खेलते हैं 7 और विकल्प के तौर पर कितने होते हैं 5। अब कर्णम मलेश्वरी के बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे तो कर्णम मलेश्वरी आपको पता है जैसे कि जाना माना नाम है और ये कौन है, वेट लिफ्टर है, ठीक है। ये कहाँ की रहने वाली हैं, आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। इनके जो फादर है वो हवलदार रहे हैं और इन्होंने क्या है 12 साल की उम्र से ही क्या कर दिया था, वेट लिफ्टिंग का जो अभ्यास है वो करना स्टार्ट कर दिया था। और ये जो है एक बार में कितना वज़न उठा लेती हैं, 130 जो किलोग्राम वज़न है वो एक बार में उठा लेती हैं। और भारत के बाहर यानी कि विदेश से इन्होंने कितने मेडल जीते हैं, 29 मेडल जीते हैं, 29 मेडल जीते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर आपका है फुलवारी। जो फुलवारी चैप्टर है आपका, इसमें बताया गया है कि जो फूल हैं और जो फेस्टिवल है एक दो वो बताए गए हैं आपको इसमें, तो देखते हैं हम फुलवारी। यहाँ पर देखिए जो फूलों की जो घाटी है वो किसे कहा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पर आपका। तो उत्तरांचल की जो पहाड़ें हैं, जो पहाड़ हैं उत्तरांचल में, वहाँ पर क्या है एक जगह है, एक ऐसा स्थान है जहाँ पर फूल ही फूल उगते हैं, फूल ही फूल दिखाई देते हैं, तो उसे फूलों की घाटी कहा जाता है। तो कहाँ पर है फूलों की घाटी, उत्तरांचल में है, ठीक है।
मधुबनी। जो मधुबनी है वो एक तरीके का त्यौहार है, कहाँ पर मनाया जाता है, बिहार में मनाया जाता है। और ये जो होता है, ये जो त्यौहार है, ये खुशी के मौके पर क्या होती है, घरों में, घर की जो दीवार होती है वहाँ पर जो चित्र बनाए जाते हैं। तो ये जो चित्र बनाने की जो परंपरा रही है वो बिहार के मधुबनी एक जो क्षेत्र है, मधुबनी एक जो जिला है, वहाँ पर जो है चित्र बनाए जाते थे, ठीक है। तो उसी को लेकर यहाँ पर जो है इस त्यौहार का नाम ही उस जिले के नाम पर रख दिया गया है, मधुबनी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है आंगन में चित्र बनाए जाते हैं। अब जो चित्र है किस तरीके के बनाए जाते हैं, चित्र किस चीज़ की हेल्प से बनाए जाते हैं, यहाँ पर जो है नेचुरल चीज़ें लेकर जो चित्र बनाए जाते हैं, जैसे कि जो चावल हो गए, गेहूं वगैरह हो गए, तो चावल के घोल को, जो चावल का जो घोल बनाकर उसमें रंग मिलाकर जो है चित्र बनाए जाते हैं। अब मैंने कहा नेचुरल तरीके से बनाए जाते हैं, अब तो रंग जो है वो रंग किस तरीके के मिलाए जाएंगे, इसमें रंग भी तो नेचुरल ही होंगे ना। तो रंग जो है वो नील, जैसे कि आपको पता होगा कपड़े में डालने वाला जो नील होता है, वो नील जो है उसके प्रयोग से रंग बनाए जाते हैं। हल्दी, हल्दी जो है वो एक कलर के तौर पर यूज़ की जाती है। फूल और पेड़ों से मिलने वाले जो रंग है वो यूज़ किए जाते हैं यहाँ पर। अब चित्र किस टाइप के बनाए जाते हैं दीवारों पर, जिसमें जानवर के चित्र भी शामिल होते हैं, पक्षी के, जो पक्षी हैं वो भी बनाए जाते हैं, मनुष्य या फिर फूल पत्ती वगैरह हैं उनके चित्र हमें देखने को मिलते हैं मधुबनी के जो आंगन में चित्र बनते हैं, ठीक है। अब देखिए कन्नौज जिला, कन्नौज जिला जो है वो किस लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ इसे जो है इत्र के लिए मशहूर माना जाता है, यानी कि यहाँ पर जो है हमें इत्र ज़्यादा मात्रा में मिलता है। इत्र के लिए इम्पॉर्टेंट जो इलाका है वो है कन्नौज जिला। अब कन्नौज जिला कहाँ पर है, ये उत्तर प्रदेश में है, आपको ध्यान देना है। तो ये उत्तर प्रदेश में है, और किस तरीके का जो इत्र बनाया जाता है, यहाँ पर दो तरीके के इत्र बनाए जाते हैं, एक तो रोज़ वाटर और दूसरा केवरा वाटर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपको। अब देखिए दादी का नुस्खा भी यहाँ पर बताया गया है कि किस तरीके से दादी जो है अपना एक जो नुस्खा है वो हमारे साथ शेयर करती है। इसमें बताया गया है गुलाब जल और ग्लिसरीन बराबर मात्रा में मिलाकर शीशे में भर लो, फिर उसकी बात क्या करना है, कुछ बूंदें जो नींबू की है उसमें डालो, और इसके इस्तेमाल से क्या होता है, ये जो दादी का नुस्खा बताया गया इसकी मदद से क्या होता है, इसके इस्तेमाल से, इसे यूज़ करने से जो सर्दी में हमारी त्वचा फटती है वो नहीं फटेगी। तो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर अपना है, जो चैप्टर इम्पॉर्टेंट है मैं बस वही चैप्टर आपको यहाँ पर करवा रही हूँ, क्योंकि वैसे चैप्टर पढ़ने हैं तो फिर आप स्टोरी के टाइप से पढ़ सकते हैं, बस हम यहाँ पर अपनी एग्ज़ाम को लेकर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर हम अपने जो नोट्स हैं वो यहाँ पर मैंने बनाए हैं आपके लिए। अब देखिए अ बिजी मंथ, इंग्लिश में नेम है, हिंदी में चू चू करती आई चिड़िया। तो ये जो चैप्टर है इसमें बताया गया है कि एक गिज्जू भाई है, गिज्जू भाई बेदक, जो ये गिज्जू भाई बेद का है वो कहाँ के रहने वाले, गुजरात के। ये क्या करते हैं, बच्चों के लिए कुछ किस्से कहानियाँ लिखते हैं, और इन्होंने ही ये चैप्टर लिखा है, एक तरीके से बताया गया है यहाँ पर हमें। अब देखिए इस चैप्टर में हमें बताया गया है कि जो कोयल होती है वो अपना घोंसला नहीं बनाती है। तो पहली बात, घोंसला क्यों बनाया जाता है, अंडे रखने के लिए बनाया जाता है। और कोयल जो होती है वो अपना घोंसला नहीं बनाती है, वो अपने अंडे कहाँ पर रखती है, फिर वो अपने अंडे जो है कोए के घोंसले में रखती है, और कोए को लगता है कि मेरे ही अंडे हैं, तो वो क्या करता है अपने अंडों के साथ उस कोयल के अंडों को भी सेक देता है। जब अंडे फूट कर उसमें से जो बच्चे निकलते हैं, जब उनकी आवाज़ सुनाई देती है, तो उसे पता चलता है ये जो बच्चा है तो कोयल का है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है, इसके बाद देखते हैं चिड़िया का जो घोंसला यहाँ पर बताया गया है, एक मिनट, हाँ यहाँ पर देखिए चिड़िया का जो घोंसला है कब बनाती है चिड़िया, जैसे मैंने कहा जब अंडे जो चिड़िया देती है तब वो घोंसला बनाती है। एक वीवर पक्षी को लेकर जो है क्वेश्चन अभी रिसेंट में देखने को मिला है हमें, तो वीवर जो पक्षी है वो क्या होता है, इसमें वीवर पक्षी में जो एक नर वीवर पक्षी होता है वो क्या करता है, घोंसला बनाता है, यानी कि फीमेल जो वीवर पक्षी है उसके लिए वो क्या करते हैं, घोंसला बनाता है, तरह तरह के घोंसले बनाते हैं, बहुत सारे घोंसले बनाता है वो। उसके बाद जो फीमेल वीवर जो बर्ड होती है वो क्या करती है, उन घोंसलों में से कोई एक जो घोंसला होता है उसे चुनती है, ठीक है। तो उसमें वो अपने अंडे देती है, यानी कि अपने मनपसंद घोंसले वो अंडे देती है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। तो वीवर पक्षी को लेकर जो है क्वेश्चन अभी रिसेंटली पूछा गया था। इसके बाद जो है हमें इस चैप्टर में बहुत सारे जो जानवर हैं उनको लेकर बताया गया कि उनके दांत किस तरीके के हैं। तो गाय के दांत किस तरीके के होते हैं ये बताया गया है कि गाय के जो आगे के दांत होते हैं वो कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, और ये छोटे क्यों होते हैं, पत्तों को काटने के लिए होते हैं। और पीछे के जो दांत होते हैं गाय के वो कैसे होते हैं, वो चपटे होते हैं, ठीक है,
चपटे होते हैं। क्यों? क्योंकि जो घास उसने अपने आगे के दांतों से काटी है उसे चबाने के लिए चपटे होते हैं, ठीक है। अब बिल्ली के जो दांत हैं वो किस तरीके के होते हैं? नुकीले होते हैं बिल्ली के दांत, क्योंकि उसे क्या है, मांस फाड़ने और काटने के लिए दांतों जो दांत हैं बिल्ली के वो नुकीले होते हैं। सांप, सांप के दांत कैसे होते हैं? नुकीले होते हैं, क्योंकि वो भी तो शिकार करता है। पर आपको ध्यान देना है, सांप सांप जो है वो कभी भी अपने शिकार को चबाता नहीं है, वो सीधे निकल लेता है, तो ये इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। इसके बाद गिलहरी, गिलहरी के दांत कैसे होते हैं? दांत जो हैं गिलहरी के हमेशा बढ़ते रहते हैं। आपने देखा होगा दो दांत उसके बहुत बड़े होते हैं। क्यों होते हैं ऐसे? क्योंकि वो हमेशा जो होती है वो कुछ ना कुछ काटती रहती है, कुछ ना कुछ कुतरती रहती है, जिसकी वजह से उसके दांत जो होते घिसते रहते हैं, और इस वजह से उम्र भर उसके जो दांत होते हैं बढ़ते रहते हैं। इसके बाद हमें जो टू मच वाटर टू लिटल वाटर, ये चैप्टर जो है इम्पॉर्टेंट होता है सीटेट को लेकर। इसमें जो है बताया गया है कि एक डायरिया और वॉमिटिंग जो है ये जब हो जाते हैं तो इसकी वजह से शरीर में पानी की कमी हो जाती है। तो नॉर्मली आपको पता है तो इसकी वजह से पानी की कमी हो जाती है। तो यहाँ पर हमें दो उपाय ऐसे बताए गए हैं जिसे यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, अपने शरीर में जो पानी की कमी है उसकी पूर्ति कर सकते हैं, जब हमें डायरिया या फिर वॉमिटिंग में से कोई भी बीमारी हो गई है। तो हमें अगर ये देखिए, अगर पानी की कमी हो जाती है तो पहली बात तो यही है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। इसके बाद हमें एक और जो है जैसे कि ORS का एक घोल आता है, वो भी पानी मिला के पी सकते हैं हम। अगर वो ना हो तो हम क्या कर सकते हैं, हम नमक चीनी का घोल जो होता है वो पी सकते हैं, ठीक है। बस यही इंपॉर्टेंट था इस चैप्टर में अपना। अब नेक्स्ट जो चैप्टर है वो आपका है अब्दुल इन द गार्डन। जो अब्दुल है वो गार्डन में, यानी कि ये बताया गया है किस तरीके से। अब यहाँ पर जो चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है फैक्ट्स वगैरह वही देखेंगे हम। इसमें जो है बताया गया कि जो सरकारी अधिकारी होते हैं, अगर अपने आसपास में आपको जो पेड़ वगैरह काटने हैं तो उसके लिए आपको एक सरकारी जो अधिकारी होता है उसकी इजाज़त लेने की ज़रूरत है। और उसके बाद भी आपको पेड़ पूरा पूरा नहीं काटना है, आपको केवल उसकी ब्रांचेस कट कर लेनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ये सजेशन दिया गया है। एक डेजर्ट ओक जो है एक पेड़ होता है, आपको ध्यान देना है। और ये जो डेजर्ट ओक है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ठीक। और ये जो है ये लगातार 30 जो पेड़ होते हैं एक कतार में लगे होते हैं, यानी कि लगातार 30 पेड़ जो हैं एक कतार में लगे होते हैं, ठीक है। और इनके जो रूट्स होते हैं वो लंबी होते हैं, यानी कि जो जड़ें होती हैं वो इतनी लंबी होती हैं कि वो लगभग ग्राउंड को टच कर लेती हैं, यानी कि रूट्स, ये मानो ये पेड़ है तो इसके जो रूट्स हैं वो ऐसे करके दोबारा ऐसे आई होती हैं, ठीक है। आप जब NCERT की बुक ओपन करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा पिक्चर से, ठीक। और आपको ध्यान देना है इसकी रूट्स को लेकर जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट, जो भी फैक्ट्स वगैरह बताए जाते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं, उसको लेकर क्वेश्चन आपसे पूछे जा चुके हैं आखिरकार, ठीक है, और पूछे भी जा सकते हैं। अब देखो जो यहाँ पर रूट्स होती है वो लंबी होती हैं, वो ग्राउंड को टच कर लेती हैं। और इनकी ये जो पेड़ है उनकी लंबाई कितनी है? लगभग जो स्कूल का जो क्लासरूम होती है उसकी दीवारों जितनी पेड़ की लंबाई होती है। ये जो पेड़ है क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये पेड़ क्या करता है, अपने ट्रंक में पानी को स्टोर करता है। और जब जो ऑस्ट्रेलिया के जो लोग हैं, जब उन्हें उनके पास पानी की कमी होती है तो ये क्या करते हैं, इसकी जड़ों में से, इसके ट्रंक में से, इसकी जड़ों में से क्या कर लेते हैं, पानी निकाल लेते हैं और उसे यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर आपका है ईटिंग टुगेदर। इसमें जो है बीहू जो आपका एक फेस्टिवल है, ये बताया गया है। बीहू फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है? असम में सेलिब्रेट किया जाता है। बीहू फेस्टिवल से पहले वाली जो रात होती है, जो इवनिंग होती है, रात नहीं कहेंगे, जो शाम होती है बीहू फेस्टिवल से एक दिन पहले वाली जो शाम है उसे उरेका नाम से बोला जाता है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बीहू फेस्टिवल में दो तरीके के जो राइस होते हैं वो बनाए जाते हैं, कौन से होते हैं? बोरा और चेवा। ये दोनों तरीके के जो राइस होते हैं वो कहाँ मिलते हैं ये पूछा जा सकता है आपसे, वो असम में मिलते हैं। और बीहू फेस्टिवल में कौन से राइस बनाए जाते हैं, तो आपका आंसर होगा जो बोरा और चेवा, ठीक है। और ये किस टाइप के राइस होते हैं? ये स्टिकी राइस होते हैं, ठीक है, आपको ध्यान देना है। अब इसके बाद यहाँ पर ये जो बीहू फेस्टिवल है इसमें बेला घर बनाया जाता है। बेला घर क्या होता है? लकड़ियों में आग लगाकर चारों ओर डांस किया जाता है, तो इसे बेला घर कहा जाता है। एक तरीके से जैसे लोहड़ी मनाई जाती है उसी टाइप का ये होता है, पर इसका नाम बेला घर होता है। अब देखिए इसमें हमें एक और चीज़ बताई गई है, मिड डे मील को लेकर बताया गया कि जो स्कूल्स वगैरह हैं उसमें मिड डे मील स्टार्ट कर दिया गया है, और ये हाई कोर्ट के द्वारा भी जो है पास कर दिया गया है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 15 अगस्त 1995 में हुई थी, ये आपको ध्यान देना है। इसके बाद पोचमपली जो है
उसको लेकर बताया गया है पोचमपल्ली जो है वो नाम क्यों दिया गया। सभी परिवार इसमें क्या करते थे, कपड़े बुनते थे, कपड़े बनाते थे, क्लॉथ्स बनाते थे। और ये कौन से गांव की बात हो रही है, मुक्तापुर जो एक विलेज है उसकी बात हो रही है, जो पोचमपल्ली जो डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर आता है, आंध्र प्रदेश के अंदर है ये, और इसी को लेकर इसका जो नाम है ये रखा गया है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा चैप्टर जो इम्पोर्टेंट है वो है होम एंड अब्रोड। इसमें जो है बताया गया है कि किस तरीके से जो विदेश किस टाइप का दिखता है, उसका एक जो क्षेत्र है वो लेकर यहाँ पर बताया गया, वो देखेंगे हम। और इससे पहले आपको ध्यान देना है यहाँ पर दो जो वर्ड्स हैं वो यूज़ हुए हैं इस चैप्टर में, एक तो चिट्टा, यहाँ पर एक वर्ड जो यूज़ हुआ है वो है चिट्टप्पन, जो शब्द है वो यूज़ हुआ है। और ये किस लिए होता है, ये फादर के जो भाई होते हैं यानी कि अपने पिता का जो भाई होते हैं यानी कि हमारे यहाँ पर चाचा बोलते हैं, तो वहाँ पर मलयालम में इसे क्या बोला जाता है, चिट्टप्पन बोला जाता है। और कुंजम्मा जो है वो किसके लिए है, चिट्टप्पन की जो वाइफ होती है उसे कुंजम्मा कहते हैं, यानी कि फादर की यंगर ब्रदर की जो वाइफ है उसे क्या कहा जाता है, मलयालम में कुंजम्मा कहा जाता है। दो वर्ड्स ध्यान रखने आपको। इसके बाद शांता बताती है, शांता जो है वो एक लड़की है छोटी सी, वो क्या करती है, वो जो अबू धाबी है वहाँ से आती है, अबू धाबी कंट्री है वहाँ से उसका परिवार आता है, तो शांता अपने वहाँ की बारे में बताती है कि इस तरीके का अबू धाबी वगैरह है इस तरीके से। और वो बताती है कि जो अबू धाबी है वहाँ से उसे केरल में आने में केवल और केवल 2 घंटे लगे। तो जो किसे बताती है, शांता जो मालू है उसे बताती है इस बारे में। तो मालू, क्योंकि बच्चे जो होते हैं आपस में से बात करते हैं और वो अपनी बातें शेयर करते हैं आपस में कि हमें इतना टाइम लगा, ये चीज़ें थी, तो वो अपने एक तरीके से जो भी उन्होंने अपने सफ़र में देखा सब कुछ बताते हैं यहाँ पर। तो शांता मालू को बताती है, तो मालू ये सुनकर कि जो कंट्री, जो आउटसाइड कंट्री है, कंट्री से हमारे यहाँ पर आने में उसे 2 घंटे लगे, पर जब मालू अपने स्कूल की उसमें ट्रिप में गई थी, चेन्नई गई थी, ठीक है, चेन्नई गई थी स्कूल की ट्रिप में, तो वो उसे जाने में ट्रेन से 12 घंटे लगे थे, तो इसलिए वो चौक जाती, थोड़ी सरप्राइज हो जाती है। तो इसके बाद हमें बताया गया है चैप्टर में फ्लाइट से नीचे क्या क्या दिखाई देता है। तो यहाँ पर शांता बताती है फ्लाइट से क्या क्या चीज़ें दिखाई देती है, बादल ही बादल दिखाई देते हैं क्योंकि बादल के ऊपर फ्लाइट जो होती है वो उड़ती है, ठीक है। इसके बाद जो होती है रेत दिखाई दिया उन्हें, ठीक है, रेत ही रेत दिखाई दिया। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है जो रेत है वो किस तरीके का दिखाई दिया है उन्हें, कभी जो रेत है उसका रंग बदलता हुआ दिखाई देता है, कभी जो रेत है वो वाइट होता है, कभी ब्राउन दिखाई देता है उन्हें ऊपर से, कभी येलो, कभी रेड, कभी ब्लैक, इस तरीके से रंग बदलते हुए रेत के दिखाई देते हैं उन्हें। और इस चीज़ को क्या कहा जाता है, इस चीज़ को सैंड डंस कहा जाता है, सैंड ड्यून्स कहा जाता है, जो कि माउंटेन्स होते हैं, यानी कि इस तरीके से माउंटेन्स होते हैं और ऊपर से आसमान से देखा जाए तो रेत ही रेत दिखाई देते हैं। और ये कहाँ मिलते हैं, यह अबू धाबी में ही होते हैं, ठीक। इम्पॉर्टेंट टर्म थी आपकी, जस्ट अ सेकेंड। अब इसके बाद जो है हमें अबू धाबी के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है जो बहुत ज़्यादा हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसमें हमें बताया गया है कि ये कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये जो है डेजर्ट एरिया में लोकेटेड है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर बताया गया है वहाँ पर केवल रेत ही रेत होता है, यानी कि ना तो वहाँ पर पेड़ पौधे हैं, ना ही वहाँ पर ग्रीनरी है, ना ही वहाँ पर बारिश होती है, यानी कि लेक्स, रिवर्स वगैरह कुछ भी नहीं है वहाँ पर, वहाँ पर केवल रेत ही रेत होता है। और ये बताया गया, ये भी बताया गया कि वहाँ पर पानी की कमी है, और पानी की कमी की वजह से पानी वहाँ पर महंगा है, और वहाँ पेट्रोल जो होता है वो अधिक मात्रा में हमें मिलता है, तो इस वजह से पेट्रोल वहाँ पर सस्ता होता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। इसके बाद वहाँ पर कौन सा फ्रूट जो है वो देखने को मिलता है, डेट जो है वो जो डेट फ्रूट है वो देखने को वहाँ पर मिलता है, बहुत अधिक मात्रा में होता है। और करेंसी वहाँ की धीरम है, ये ध्यान देना आपको। इसके बाद लोकल लैंग्वेज अरबिक है वहाँ पर, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और गर्मी से बचने के लिए लोग वहाँ पर कॉटन के जो क्लॉथ्स होते हैं उसे वेयर करते हैं, और अपने सिर को भी क्या करते हैं, कॉटन से बिल्कुल ढके रहते हैं, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आपका है और बहुत जल्द आपका ये ख़त्म होने वाला है, और EVS का जो क्लास 4th है वो कंप्लीट होने वाली है आपकी। आप देखेंगे अगर कोई भी EVS का जो
प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से आप उठा कर देखेंगे तो आपको इसमें से काफ़ी सारे जो क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे। अब देखिए स्पाइसेस को लेकर जो ये चैप्टर है ये है, इसमें हमें जो है पहेलियाँ बताई गई हैं और फिर पूछा गया है कि मैं कौन हूँ इस तरीके से, पर मैंने उस तरीके से यहाँ पर नहीं लिखा है, मैंने नॉर्मली जो विशेषताएँ बताई गई है जैसे लाल मिर्च अपने बारे में बताती हुई बताती है कि मैं इस तरीके की दिखती हूँ, तो जो विशेषता बताई गई है वो आपको पता होनी चाहिए। तो लाल मिर्च जो होती है खाने में हॉट होती है, स्पाइसी होती है और लोग ज़्यादा ले लेते हैं तो उनके मुंह से कैसी आवाज़ आती है, सी सी की आवाज़ आती है, ठीक है, और आँख और नाक में से पानी आता है तो वो जो होती है उसे लाल मिर्च कहा जाता है, लाल मिर्च की वजह से होता है। हल्दी, हल्दी पीले रंग की होती है, ये नॉर्मली हमें पता है पीले रंग की होती है। और जो ग्रैनी होती है यानी कि जो ग्रैंडमा होती है जब चोट लग जाती है तो वो क्या करती है, हल्दी वाला दूध देती है, ठीक है, तो और इसके साथ साथ वो जो तेल होता है तेल में हल्दी मिलाकर जो चोट पर लगाती है, ठीक। काली मिर्च, काली मिर्च जो होती है ब्लैक रंग की होती है, नाम ही काली मिर्च हो गया जब उसका, और फाइन होती है वो, पीसने के बाद फाइन हो जाती है और स्वाद में स्पाइसी होती है, वो टेस्ट में अगर देखें स्पाइसी होती है। अब इसके बाद जीरे के बारे में बताया गया, काफ़ी छोटा होता है ये, रंग कैसा होता है इसका जीरे का, ब्राउन होता है और कभी कभी ब्लैक भी दिखाई देता है हमें, और तेल और घी में जो खुशबू है वो जीरे जो होता है वो देता है। इसके बाद जो है जो दही में जो भून कर अगर जीरे को डाला जाता है तो उसका स्वाद जो होता है दही का बहुत अच्छा हो जाता है, जैसे साथ साथ जीरे का प्रयोग जो है जल जीरा में प्रयोग किया जाता है जीरे को, ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया। और सौंफ, सौंफ को लेकर बताया गया जीरे जैसा दिखाई देती है पर रंग कैसा होता है इसका, हरा होता है, स्टमक हेल्थी रहती है, अगर हम सौंफ जो है खाना खाने के बाद लेते तो हमारे जो स्टमक है हमारा जो पेट है वो हमारा हेल्थी रहता है। इसके बाद इसमें सौंफ के बारे में बताया गया है कि जो माउथ रिफ्रेशर का भी काम करती है, कौन, सौंफ। लौंग, लौंग जो होती है लौंग किस तरीके की होगी इसमें बताया गया, लुक लाइक अ नेल बट अ बड, यानी कि नेल की तरह होती है पर उसके ऊपर एक बड होता है, ऐसी लौंग दिखाई देती है। और ये चॉकलेट ब्राउन कलर की होती है, स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है इसकी, दांत में अगर दर्द होता है तो इसको यूज़ किया जाता है। तो ये कुछ कुछ जो फैक्ट्स हैं वो इम्पॉर्टेंट है इसमें। इसके बाद आपका लास्ट वाला चैप्टर रह गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं कहा जा सकता पर थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके चैप्टर, जिसमें इसमें बताया गया है कि जो वाहिदा है, वाहिदा के बारे में बताया गया, ये एक ऑफिसर भी रही हैं और इसके साथ साथ ये जो है नेवी में, मतलब नेवी में भी ऑफिसर रही हैं, साथ साथ में डॉक्टर भी रही हैं, और इन्होंने फर्स्ट वूमेन टू लीड अ परेड, यानी कि फर्स्ट वूमेन रही हैं जिसने परेड को लीड किया था। गर्ल गाइड भी कहा जाता है इन्हें, और ये कहाँ पर रहने वाली है, जम्मू कश्मीर में रहने वाली है, जम्मू कश्मीर के राजौरी जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें रहने वाली है। तो और इस चैप्टर में बाकी यही बताया है किस तरीके से उन्होंने अपनी पढ़ाई वगैरह की, तो ये इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, जितने चैप्टर इंपॉर्टेंस थे वो सारे के सारे मैंने यहाँ पर नोट्स बना के आप सभी के सामने रख दिए हैं, आपको समझ में आया होगा आई होप। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप क्या करेंगे, अप्लाई कर सकते हैं, और जिस भी आपके दोस्त को क्या करना है, सीटेट क्रैक नहीं हो रहा है उनका और उन्हें ज़रूरत है इस जैसी वीडियो की, तो आप उनके पास शेयर भी कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, और अगर मेरी किसी भी तरीके से सहायता चाहिए हो तो उसके लिए आपको एक छोटी सी कमेंट करनी पड़ेगी, जिससे मैं आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।